आप कहाँ पे रहते हो? यहाँ पे। अच्छा, पास ही में रहते हो। हाँ। इस बंगले के बारे में कुछ पता है क्या आपको? हाँ। क्या हुआ था यहाँ पे? यहाँ पे तीन लोगों ने क्या फांसी तीन लोगों ने यहाँ पे फांसी लिया था। हाँ। एक ही फैमिली में? हाँ। किसने बोला था आपको यहाँ पे कि इस लोकेशन पे तीन लोगों ने फांसी लिया था? मेरे पापा ने। पापा ने बताया था आपको? फ्रेंड्स, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू हॉन्टेड ब्लॉग। तो आज हम पुणे के ऐसे लोकेशन को एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं जो है पिंपरी चिंचोड़ में, और ये लोकेशन है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है पिंपरी चिंचोड़ एरिया में, जहाँ पर जो आपने इस वीडियो के स्टार्ट में देखा होगा इस लोकेशन का सीन और इस बंगलों को आपने देखा होगा जो है प्राधिकरण एरिया में। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती है और बहुत से बार यहाँ पे लोगों को देखा गया है कि यहाँ पर ऊपर की तरफ, हम आपको अभी बाहर से बताते हैं कि ऊपर की तरफ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ लोगों को रात के समय नज़र आई। और यहाँ पे हमने काफ़ी लोगों से पूछा, उन्होंने भी बताया कि ये लोकेशन काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़, और काफ़ी बार यहाँ पे ऊपर की तरफ जो टेरेस की गैलरी है वहाँ पे काफ़ी बार एक परछाई नज़र आई है कि जो रात के समय उस लोकेशन पर आकर बैठती है। तो अभी हम इस लोकेशन को एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं, तो गाइस वीडियो एंड तक देखना, वीडियो कहीं भी स्किप मत करना। बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस है ये, जो पिंपरी चिंचोड़ के एरिया में जितने भी लोग हैं उन लोग सब बोलते हैं कि ये सबसे ज़्यादा मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है पिंपरी और चिंचोड़ में। तो हम देखते हैं यहाँ पर अंदर जाने के लिए कुछ जुगाड़ करते हैं और ट्राई करेंगे हम आपको कि पूरा एक्सप्लोर करेंगे कि ये सच में हॉन्टेड है या नहीं। तो गाइस वीडियो एंड तक देखना, हम आपको मिलते हैं वीडियो के एंड में। सो गाइस, आप देख रहे हो ये है प्राधिकरण में ये बंगलो, ये काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड है एक्टिविटीज़ के लिए। और यहाँ पे आप ऊपर की तरफ देख रहे हो जहाँ पर ये गैलरी दिख रही है आपको, ये टेरेस गैलरी है। यहाँ पर काफ़ी बार एक औरत को बैठते हुए देखा गया है जो काफ़ी बार यहाँ पर इस लोकेशन पे बैठा करती थी। और इस बंगलों के अंदर ऐसी एक्टिविटी हुई थी कि यहाँ पर एक लेडी ने फांसी लेके अपने आप को मार दिया था, सुसाइड कर लिया था। तो तब से ये लोकेशन हॉन्टेड है और अभी 20 साल हो चुके हैं यहाँ पर कोई नहीं रहता है। और इसके आसपास में देखो काफ़ी ज़्यादा लोकेशन है, यहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं। मेन रोड के ऊपर ये बंगलो है, लेकिन ये पूरे प्राधिकरण में फेमस है ये एरिया हॉन्टेड के लिए। यहाँ पर वो औरत ने सुसाइड करने के बाद में इस बंगलो को लॉक कर दिया गया था। आप देख सकते हो अभी भी ये पूरा सील कर दिया गया है, अंदर भी जाने के लिए मना है, गेट के ऊपर से जाने के लिए भी यहाँ पे परमिशन नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे जब से उन्होंने यहाँ पे सुसाइड किया था उसके बाद में काफ़ी समय इस बंगलो को उन्होंने सेल करने की सोची, लेकिन उनसे नहीं हो पाया। जो भी लोग इस बंगलो को ख़रीद रहे थे उनका लॉस हो रहा था, और काफ़ी बार उनको अंदर के समय जब उन्होंने एक बंगलो ख़रीदा और रहने के लिए आए थे तो यहाँ पर काफ़ी बार उनको एक्टिविटीज़ का सामना करना पड़ा। और इस बंगलों के आसपास में जो भी लोग रहते हैं तो उनको भी काफ़ी बार इस बंगलों की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई और काफ़ी बार उनको एक्टिविटीज़ का शिकार भी होना पड़ा। और काफ़ी बार ये ऊपर की तरफ एक लेडी को देखा जाता है, और काफ़ी समय यहाँ पर जो भी लोग यहाँ से आसपास में रहते हैं वो दिन के समय भी यहाँ पर इस बंगलों को देखकर यही सोचते हैं कि ये बंगलो हॉन्टेड है। और यहाँ पर काफ़ी बार यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी होती है, इसलिए अंदर जाने के लिए तो अभी हमें परमिशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये देख रहे हो आप चारों तरफ से इसको जाली वगैरह लगा के सील कर दिया गया है। और अंदर की तरफ भी आप देख सकते हो कोई नहीं है। तो गाइस, हमें ये लड़का मिला है इस लोकेशन के पास में जो यहीं पे रहता है। तो बेटा, आपका नाम क्या है? सुमित। आप कहाँ पे रहते हो? यहाँ पे। अच्छा, पास ही में रहते हो। हाँ। इस बंगले के बारे में कुछ पता है क्या आपको? हाँ। क्या हुआ था यहाँ पे? तीन लोगों ने यहाँ पे फांसी लिया था। हाँ। एक ही फैमिली में? हाँ। तो यहाँ पे कुछ स्टोरी और घर पे किसी को पता है आपके? हाँ। किसने बोला था आपको यहाँ पे कि इस लोकेशन पे तीन लोगों ने फांसी लिया था? मेरे पापा ने। पापा ने बताया था आपको?
अच्छा, तो आप कब से रहते हो इस एरिया में? बचपन से। बचपन से? तो ऐसे दिन के समय यहाँ से ट्रैवल कर रहे हो इस रोड पे, तो आपको डर नहीं लग रहा? नहीं। रोज जाते हो? ठीक है, थैंक यू। गाइज, आपने ये पूरा वीडियो देख लिया, हम लोगों ने आपको पूरा बताने की कोशिश की है वीडियो में, बट हम बहुत दूर ट्रैवल करके आए थे 30 किलोमीटर पूना से, कि आपको ये अच्छे से और वीडियो दिखाए, बस कुछ पॉसिबिलिटी नहीं हुआ अंदर जाने के लिए। एक्चुअली ये पूरा बंगलो ही सील किया गया है, आसपास भी कोई दिन का भी कोई नहीं दिख रहा है, और रात के समय तो कोई आता ही नहीं। आप पिंपरी चिंचोड़ बहुत ही ज़्यादा मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में से एक है, इससे बहुत से रिलेटेड वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेंगे, दो जो दूसरे व्लॉग लोग ने भी बनाए हैं, बट आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना। तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तो चलो बाय।